टारगेट भी डालो के ऑनलाइन इंस्टीट्यूट से मैं पंडित अमरेश भट्ट आप सभी छात्रों का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे छात्रों, आज मैं ऐसे टॉपिक पर बात करूंगा जहां से हर वर्ष प्रश्नों की जो महत्वपूर्णता है वह अधिक होती है, यानी हर वर्ष यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं और एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से प्रश्न आने ही आने हैं। तो आज हम उस विषय पर बात करते हैं, उस टॉपिक पर बात करते हैं और इस टॉपिक का नाम है समास। समास यानी एक ऐसा टॉपिक जहां से प्रश्न आना है, अनिवार्य है और यह महत्वपूर्ण भी है। इसमें आज हम एक फार्मूला के द्वारा, एक सूत्र के द्वारा, एक कविता के द्वारा हम इस पर बात करेंगे और इस प्रकार से बात किया जाएगा कि ताकि आज मेरा यह समास क्लियर हो जाए, यानी जो भी इसको पढ़े उसको संक्षिप्त में पूरा का पूरा समास क्लियर हो जाए, उस पर हम बात करेंगे। इसके बाद एक एक करके डिटेल में बात किया जाएगा, लेकिन आज एक कविता के माध्यम से हम इस समास को समझाना चाहते हैं और जिससे आशा यह करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा और आज ही समास को समाप्त भी कर दिया जाएगा। इसके बाद से एक एक करके उसको डिस्क्राइब किया जाएगा, ये अलग बात है। तो पहले हम उस पर आते हैं कि जहां से समास की भूमिका, यानी समास क्या है, समास की परिभाषा क्या है, समास कितने प्रकार के होते हैं, इसको बताने के बाद हम उस कविता के माध्यम से आपको रूबरू कराएंगे और उसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे। तो पहले चीज, हम समास पर अगर बात करें तो समास को अगर बेसिक तौर पर देखें तो यह दो शब्दों से मिलकर के बना है। शब्द क्या है? सम है और आस है। सम और आस से बना हुआ शब्द है जिसमें सम उपसर्ग होता है। सम का अर्थ होता है सम्यक, सम्यक या संपूर्ण, और आस का अर्थ होता है आशय, यानी संपूर्ण आशय। संपूर्ण आशय से क्या तात्पर्य है, यानी पूरा आशय क्या है, पूरे पद का आशय क्या है, पूरे शब्द का आशय क्या है। इसका एक प्रायः पूछा जाता है कि समास का अर्थ क्या है, तो समास का अर्थ होता है संक्षेप, यानी संक्षेप इसका अर्थ होता है या संक्षिप्तीकरण होता है इसका अर्थ है। ये पूछा गया है, एग्जाम में भी पूछा गया, समास से क्या समझते हैं या समास का प्राय क्या है या समास का अर्थ क्या होता है, तो उसमें संक्षेप इसका, समास का अर्थ होता है संक्षेप। यहां पर एक बात आपको क्लियर कर दें कि समास और संधि, समास के अगर हम विलोम पर बात करें तो समास का जो विलोम होता है वह विग्रह होता है और संधि का विलोम जो होता है वह विच्छेद होता है। तो समास में हमेशा क्या किए जाते हैं? विग्रह किए जाते हैं। समास की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि शब्द निर्माण की यह प्रक्रिया है। शब्द निर्माण की प्रक्रिया में हमारे विद्वानों ने मुख्यतः चार साधन बताए हैं। इन चार साधनों में जो प्रमुख एक साधन है वो समास है। चार साधनों की अगर हम बात करें तो जो पहला साधन होता है उसके बारे में हम समास के बारे में बात कर लें, यानी समास होता है पहला साधन। दूसरा साधन क्या होता है? संधि होता है। तीसरा साधन क्या होता है? उपसर्ग होता है। और चौथा साधन जो होता है वह प्रत्यय होता है। यानी चार साधन बताया गया है, समास बताया गया है, संधि बताया गया है, उपसर्ग बताया गया है और प्रत्यय बताया गया है। ये चार प्रमुख साधन है शब्द निर्माण के लिए, यानी हमारी जो हिंदी भाषा है वह और भी अधिक अर्थवान हो सके,
और भी अधिक इसमें शब्दों का समावेश हो सके, इसलिए इन चार साधनों को हमारे व्याकरणों ने बताया है। अब इसमें जो एक प्रमुख टॉपिक है समास है, इस पर हम बात कर रहे हैं। समास के अगर हम परिभाषा पर बात करें, पहली चीज हम परिभाषाओं पर बात करते हैं, तो परिभाषा हम देखते हैं कि समास क्या होता है। तो समास में दो या दो से अधिक पदों को मिला करके एक नए शब्द की रचना की जाती है। यूं कह सकते हैं दो या दो से अधिक शब्दों को, शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को ही हम समास कहते हैं। यह भी परिभाषा, परिभाषा अपने रूप में भी बनाया जा सकता है। यह कोई जरूरी नहीं है कि आप एज इट इज परिभाषा रटें। मेरा जो मूल मंतव्य है वह यह है कि आपको समझा देना कि इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, और जब फॉर्मेशन आपको समझ में आ जाते हैं तो आपको बातें समझ में आ जाती हैं और आप निकाल ले जाते हैं। तो यहां पर अगर हम शब्द की बात करें, आप प्रायः सुनते होंगे कि पद मिलते हैं, कभी शब्द मिलते हैं, ये सुना जाता है, लिखा भी रहता है। पहली चीज ये जान लीजिए कि जब कोई शब्द लिखा गया है, अगर मान लीजिए कि लिखा गया है राम विद्यालय जाता है, अगर ऐसा लिखा गया है विद्यालय जाता है, अगर ऐसा लिखा गया, अब इसमें हम शब्द की बात करें तो राम शब्द है, विद्यालय भी शब्द है और जाता भी शब्द है, ये शब्द है। लेकिन अगर हम पद की बात करते हैं तो जब दो शब्द आपस में मिल जाते हैं, अभी यहां क्या है, ये शब्दों में यानी इस वाक्य में आपको शब्दों में विभाजित हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि अगर कोई दो शब्द है और दो शब्द से किसी एक शब्द का निर्माण हुआ है, जैसे मान लीजिए कि यहां पर विद्यालय है लिखा गया है, तो विद्या में जो है विद्या एक शब्द है और दूसरा शब्द क्या है आलय है, यह बनकर के बना है विद्यालय बना है। तो विद्या और आलय दो शब्द हैं, लेकिन यह जब दोनों मिल जाते हैं तो यह विद्यालय बन जाता है, और जब यही विद्यालय समास में आप पढ़ेंगे तो इसे हम पद कहेंगे, इसको हम प्रथम पद, इसको हम द्वितीय पद, इसको पूर्व पद, इसको उत्तर पद के नाम से जानते हैं। तो यानी जब तक हम अकेले हैं या किसी वाक्य के अंतर्गत हैं, शब्द के रूप में स्वतंत्र हैं, और जब उससे कोई एक शब्द का निर्माण हो गया तो उसे ही अब उन शब्दों में जो दो पद होंगे जिससे निर्माण हो रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो समास में आप प्रायः सुनेंगे एक पूर्व पद सुनेंगे, एक उत्तर पद सुनेंगे, कभी पूर्व पद प्रधान होगा, कभी उत्तर पद प्रधान होगा, कभी दोनों पद प्रधान होंगे, कभी दोनों पद प्रधान नहीं होंगे, ऐसा भी आपको दिखाई देगा और अभी हम बात भी करेंगे। तो यहां पर अगर हम बात करें समास की परिभाषा पर बात किए, यानी दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले शब्द को हम समास कहते हैं, और अगर हम इसके प्रकारों पर बात करें, प्रकार पर बात करें, तो प्रकार के अगर बारे में हम देखेंगे तो मुख्य प्रकार इसके हैं चार, यानी चार प्रकार के समास। गौण रूप में देखेंगे तो यह छह प्रकार के समास हैं। तो चार प्रकार के मुख्य कौन कौन से हैं और दो कौन कौन से ऐसे समास हैं जिसको मिला करके छह समास बनाया गया है। तो चार को भी देखा जाएगा और छह को भी देखा जाए, लेकिन अगर प्रश्न यह आता है कि समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन में अगर मान लीजिए ऑप्शन ए दे दिया गया है चार, बी दे दिया गया है छह, सी दे दिया गया है तीन और डी दे दिया गया है सात, अगर ऐसा दे दिया गया है और प्रश्न यह पूछा है कि समास मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो समास कितने प्रकार के, चार प्रकार के, ऑप्शन यही है, प्रश्न बदल दिया गया और यह पूछा गया कि समास कितने प्रकार के होते हैं, यही ऑप्शन है लेकिन समास कितने प्रकार के होते हैं, तब क्या लगेगा, छह लगेगा, ऐसा लगेगा। तो आपको क्वेश्चन
के नेचर पर देखना होगा कि हम क्या इसका उत्तर लगाएंगे। इसके हम डिटेल की अगर हम बात करते हैं तो प्रकार छह होते हैं सामान्यतः, और इन छह प्रकारों के बारे में हम बात करते हैं। तो छह प्रकार के समासों को एक कविता के माध्यम से समझा जाए। कविता क्या है कि द्वंद समास में और छिपे दिग में पहला गणना पदावत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे उत्तर तत्पुरुष कहावत है, पहला पद जिसमें विशेषण हो कर्मधारय नाम गिनावत है, अव्ययी में अव्यय पूर्व छिपे बहुव्रीही में अन्य प्रधान बतावत है। ऐसा ये एक कविता है और इस कविता के माध्यम से ही मैं आपको आज समास क्लियर करूंगा। तो पहले चीज, ये कविता आपको याद होनी चाहिए। आप इस कविता को पाज करके नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा अपने लिए भी, और ज्ञान की जो एक धारा है कि वह अनवरत आगे बढ़ती रहे, तो उसके लिए भी आपसे भी जिससे मुलाकात हो उसको भी यह कविता बता सकते हैं और आसानी से समास को समझा सकते हैं। तो हम उस कविता पर आते हैं। यहां पर देखिए, ज्यादा समय न लेकर के मैं पहले से ही इस कविता को लिख दिया हूं। आप जो है आप भी इसको समझ लीजिए, इसको लिख लीजिए। लिखा है, द्वंद समास में और छिपे, पहला, इसमें कोई क्रम नहीं दिया गया है, मैंने क्रम नहीं लिखा है, एक कविता है समझाने के लिए आपको। इसमें लिखा है द्वंद समास में और छिपे, पहला द्वंद समास है, द्वंद समास, इसमें क्या छिप रहा है, और छिप रहा है द्वंद समास में और छिपे, द्विग में पहला गणना पद आवत है, दूसरा समास क्या है, द्विग समास, द्विग में पहला गणना पद आवत है, बीच में कारक चिन्ह छिपे उत्तर तत्पुरुष कहावत है, यानी तत्पुरुष समास की बात हो रही है, यह तीसरा समास हो गया, पहला पद जिसमें विशेषण हो कर्मधारय नाम गिनावत है, यानी यह आपका चौथा समास हो गया, अव्ययी में अव्यय पूर्व छिपे, अव्ययी भाव समास, यानी यह आपका पांचवा समास हो गया, बहुव्रीही में अन्य प्रधान बतावत है, यानी यह आपका छठा समास हो गया। यानी ये छह प्रकार के समास हैं। अब इसको मैं लिखा हूं कि पंडित अमरेश भट्ट, ये देखिए मूलतः टोटल मेरे द्वारा रचित नहीं है, पहले ही मैं आपको बता दूं, इसमें आत्म प्रशंसा की बात नहीं है, लेकिन हां इसमें कुछ लाइन मैं जरूर बनाया हूं। हुआ क्या था, इसके पहले एक चला आ रहा था, परंपरागत रूप से चला आ रहा था, तो मैं अपने पिताजी के द्वारा इसको सुना हुआ था, लेकिन वो जो है कुछ लाइनिंग इसमें सेट नहीं हो पा रही थी, उस लाइनिंग को मैंने तुकबंद के दे दिया है, इसलिए मैंने लिख दिया है, टोटल मेरे द्वारा बनाया नहीं गया है, लेकिन मैं कुछ इसमें लिखा हूं, कुछ तुकबंद बैठाया हूं, इसलिए मैंने ऐसा लिख दिया है। तो आइए मैं इस पर चर्चा करता हूं कि प्रत्येक समास पे, तो पहले समास पर अगर हम बात करें तो इसमें लिखा है द्वंद समास में और छिपे। यहां पर देखिए कह रहे हैं कि द्वंद समास में और छिपे, द्वंद, द्वंद समास, द्वंद समास में होता क्या है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, यानी प्रत्येक समास में मैंने बताया आपको दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, तो इसमें दोनों पदों में दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, यानी मुख्य होते हैं। तो जब दोनों पद मुख्य होंगे तो इसके बीच में योजक चिन्ह आपको दिखाई देगा, तो योजक चिन्ह जब दिखाई देगा तो यह समझिएगा कि इसमें और शब्द आपको दिखाई नहीं दे रहा है, इसका अर्थ हुआ कि इसमें और शब्द छिपा है, और जिस शब्द के बीच में यानी दो पदों के बीच में और शब्द नहीं दिखाई दे वो समझिएगा कि द्वंद समास है। जैसे अगर मान लीजिए कि लिखा है देश विदेश, लिखा है
देश विदेश लिखा है। आप स्वयं बताएंगे इसको, मुझे इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मैं बता दे रहा हूं। देश विदेश इस योजक चिन्ह का मतलब क्या है, यानी क्या छिपा है इसमें, हम अगर इसका विग्रह करेंगे तो यानी ये क्या हो गया, देश और विदेश। अगर हम लिखते हैं माता पिता तो इसका अर्थ क्या होता है, माता और पिता। लिखते हैं अन्न जल, यानी अन्न और जल। हम लिखते हैं लोटा डोरी, यानी लोटा और डोरी। लिखते हैं भाई बहन, भाई बहन, यानी भाई और बहन। तो जहां जहां पर योजक चिन्ह है, इस योजक चिन्ह का अर्थ यह हुआ कि यहां पर हम और शब्द हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो कविता में मैंने बताया क्या है कि द्वंद्व समास में और छिपे, यानी और शब्द यहां पर हमको छिपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, उसी को हमको बता देना है। तो अगर आप निकाल ले जाते हैं, पहला चीज जानिए कि द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आएगा। अगर योजक चिन्ह आता है तो समझिएगा द्वंद्व समास होगा और इसमें और शब्द छिपा हुआ रहेगा, यानी यह द्वंद्व समास के पहचान हुए। इसके बाद आते हैं कि द्वंद्व समास के बाद आते हैं, कह रहे हैं द्विगु में पहला गणना पद आवत है, दूसरा क्या है, द्विगु समास, द्विगु समास, यह द्विगु समास है। तो द्विगु समास में क्या हो रहा है, कहा जा रहा है कि द्विगु समास में, द्विगु में कविता क्या कह रही है कि द्विगु में पहला गणना पद आवत है, यानी पहला पद क्या आता है, इसको हम देख लेते हैं एक बार, कविता को यहां देख लेते हैं। द्विगु में पहला गणना पद आवत है, गणना पद यानी पहला जो पद होगा वो क्या होगा, गणना होगा। तो पहला अगर गणना पद है तो पहला पद क्या हो रहा है, गणना पद है। गणना मतलब जो काउंट किया जा सके, जो गिना जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, गणना कहते हैं, उसको हम गणनीय कहते हैं, यानी जो हम काउंट कर सकें। अगर इन दोनों पदों में, यानी जो पूर्व पद है और जो उत्तर पद है, जो प्रथम पद है जो द्वितीय पद है, अगर इन दोनों पदों में हम पहला पद अगर काउंटिंग की जा सके, लेकिन लिखा किस में रहेगा, शब्द में लिखा रहेगा, लिखा है शब्द में, लेकिन वह क्या है, काउंटिंग हो सकती है, यानी उसकी गणना हो सकती है। अगर गणना कर ले जाते हैं और पहला ही पद ऐसा आता है तो समझिएगा कि वह कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। जैसे अगर मान लीजिए लिखा गया है चौराहा, शब्द लिखा गया है चौराहा, अब चौराहा में चौ है और राहा है, चौ मतलब क्या हो गया, चार, राहा मतलब राह, यानी पहला पद क्या है, हम काउंट कर सकते हैं। चौराहा क्या होता है, यही तो चौराहा है आपका है, जहां पर चार रास्ते निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, चौराहा कहते हैं। तो पहला पद हमने क्या कर दिया, काउंट कर दिया। अगर पहला पद आप काउंट कर ले जाते हैं, यानी गणना कर ले जाते हैं, तो ये समझिएगा कि वह कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। अगर मान लीजिए लिखा गया है तिराहा, लिखा गया है तिराहा, तिराहा मतलब ती, ती मतलब तीन, यानी तीन राह, तो तीन राह जहां पर निकलते हैं उसे हम तिराहा कहते हैं। तो पहला जो है यह शब्द बता रहा है कि यह काउंटेबल है, यानी हम गिन सकते हैं। तो पहला पद अगर गणनीय हो, पर पहला पद हम गिन सकते हो, तो वहां पर कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। अगर मान लीजिए कि यह लिखा है पंचहत्थर, पंचहत्थर, अगर ऐसा लिखा है, पंचहत्थर लिखा है, तो पंच मतलब पांच, हत्थर मतलब जो पकड़ने वाला, हाथ से पकड़ने वाला होता है, उसे हम हत्थर कहते हैं, यानी पांच हत्थर। तो पहला पद इसमें भी क्या हो गया, काउंट हम कर लिए, तो पहला पद हमने काउंट कर लिया, तो यानी द्विगु समास होगा। इसी
और भी अगर हम देखें और भी, तो यहां पर अगर मान लीजिए लिखते हैं षटकोण, लिखते हैं षटकोण, कुछ लोग इसको खटकोण भी पढ़ते हैं, पढ़ने की बाध्यता नहीं है, अपने अपने अनुरूप पढ़ा जा सकता है। स का भी उच्चारण होता है और ख का भी उच्चारण होता है। मैं जब वर्तनी पढ़ाऊंगा तो वहां पर भी इसका मैं जिक्र करूंगा और वहां पर थोड़ा सा भी बता दूंगा कि यह क्या पढ़ा जाना चाहिए, स ही पढ़ा जाना चाहिए, ख नहीं पढ़ा जाना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं ऐसा मिल जाता है कि ख भी, आपकी स्वेच्छा है। तो यहां पर षटकोण, षट मतलब क्या होता है, छह, कोण मतलब कोण, यानी जहां पर छह कोण हो उसे हम क्या कहेंगे, षटकोण कहेंगे। अगर मान लीजिए हमने लिखा दुश्रुति, दुश्रुति, दुश्रुति का अर्थ होता है दो सूत, दु मतलब दो, श्रुति मतलब सूत, यानी जो दो सूत जहां पर हो उसे हम क्या कहते हैं, दुश्रुति। तो दो सूत ऐसा होता है कि जैसे आप देखते हैं पहले, अब तो नहीं, पहले महिलाएं जो हैं इसी पर अपनी कुछ कारीगरी किया करती थी, देवी देवताओं का इस बनाया करती थी, आकृति बनाया करती थी, इसी में से बनाया करती थी, यानी दो सूत अभी भी होता है। तो दो सूत मतलब जहां पर दो सूत हो, तो पहला पद क्या हो गया, संख्यावाची हो गया, तो पहला पद संख्यावाची आया, तो यानी द्विगु समास हो गया। तो जहां पर पहला पद अगर संख्यावाची आता है तो यह समझिएगा कि वह कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा, द्विगु समास, क्लियर। यानी पहला पद संख्यावाची तो द्विगु, और बीच में अगर और शब्द छिपा तो द्वंद, यानी एक लाइन क्लियर हुआ। इसके बाद अगर हम इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, बीच में कारक चिन्ह छिपे उत्तर तत्पुरुष कहावत है, यानी उत्तर तत्पुरुष कहावत है, ये कह रहे हैं कि उत्तर तत्पुरुष कहावत है, यानी जो तत्पुरुष समास की ये बात कर रहे हैं, तो तत्पुरुष समास की बात कर रहे हैं। यानी अगर हम तीसरे पर बात करें तो तत्पुरुष के बारे में हम बात करते हैं, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और इसमें कह रहे हैं कि बीच में कारक चिन्ह छिपे। हिंदी में आठ कारक होते हैं, आठ कारक होते हैं, इस कारक को परसर्ग के नाम से भी जाना जाता है, यह देखिएगा उपसर्ग नहीं है, परसर्ग है, कारक को परसर्ग के नाम से भी जानते हैं, और कारक को हिंदी में विभक्ति के नाम से भी जानते हैं। कारक पढ़ाते समय डिटेल किया जाएगा कि कैसे हम पहचानेंगे, इतना जानिए आज चूंकि तत्पुरुष समास पढ़ा रहे हैं तो इसमें कारक की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए मैं इस पर बात थोड़ा सा कर दे रहा हूं कि बीच में कारक चिन्ह छिपे उत्तर तत्पुरुष समास, उत्तर का मतलब उत्तर पद, उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में, उत्तर तत्पुरुष कहावत है। आठ कारक, आठ कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, करण से संप्रदान को, के लिए अपादान से संबंध का, अधिकरण में पर हो संबोधन है और अरे, यानी यह आठ जो है आपके कारक चिन्ह होते हैं। तो अगर हम देखें पहला कर्ता है, कर्ता ने कर्म को और करण से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, संबंध का के की रा रे री ना ने नी, संबंध काराना है, अधिकरण में पर समान, संबोधन हे ओ अरे, कारक की पहचान। मैं कारक पढ़ाऊंगा तो इसको लिखाऊंगा भी। तो यहां पर आठ कारक चिन्हों में एक कर्ता कारक और दूसरा संबोधन कारक, यानी संबोधन, ये जो दो कारक हैं इनका प्रयोग तत्पुरुष समास में नहीं होता है, यानी इन दो विभक्तियों का हम तत्पुरुष समास में प्रयोग नहीं करते हैं। यानी तत्पुरुष समास में कितने कारक चिन्हों का प्रयोग होगा, छह कारक चिन्हों का ही प्रयोग होता है। तो हम ये देखें
कि तत्पुरुष समास में अगर कोई शब्द दिया गया है, आप कैसे जानेंगे कि कैसे हम पहचानेंगे अभी इसके माध्यम से, हम आपसे जानना चाहेंगे, आपको ही बताएंगे और आप स्वयं बताएंगे कि इसमें कैसे जो है हम पहचान पाएंगे। तो यहां पर देखिए तत्पुरुष समास में कैसे शब्द आते हैं और कैसे आप ये जानेंगे कि यह तत्पुरुष समास है। कारक चिन्ह आप लोग नाम सुने होंगे, तो पहले देखा जाए, शब्दों पर बात किया जाए। अगर मान लीजिए लिखा गया है जन्मांध, लिखा गया है शब्द, लिखा गया है क्या जन्मांध, तो अगर जन्मांध का विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, जन्म से अंधा। यानी अगर हम विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, जन्म से अंधा। यानी इसमें कौन सी विभक्ति आपको मिली, से, जन्म से अंधा, जन्मांध। अगर मान लीजिए लिखा गया है ऋण मुक्त, शब्द लिखा गया ऋण मुक्त, तो ऋण मुक्त का मतलब हो गया ऋण से मुक्त, ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त, ये हो गया। अगर मान लीजिए लिखा गया है रेखांकित, रेखांकित शब्द लिखा गया, रेखांकित का अर्थ क्या हुआ, रेखा से अंकित, यहां रेखांकित हो गया। आप करते हैं ना किसी पैराग्राफ में क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, रेखांकित कर देते हैं, तो इस रेखांकित शब्द में क्या हो गया, रेखा से अंकित, रेखांकित। अगर मान लीजिए कि शब्द लिखा गया है, इसको डिलीट कर देते हैं, अगर शब्द लिखा गया है दिल तोड़, शब्द अगर लिख दिया गया दिल तोड़, तो पहला पद क्या हो गया दिल, दूसरा शब्द क्या हो गया तोड़। अगर हम विग्रह करें तो क्या होगा, दिल को तोड़ने वाला, यही तो होगा। तो दिल को तोड़ने वाला यानी इसमें हमको दिल को तोड़ने वाला, यानी इसमें हमको क्या मिला, को विभक्ति मिली, और को विभक्ति के कारण, को कारक के कारण यह शब्द किस समास में चला जाएगा, यह तत्पुरुष समास में चला जाएगा। अगर मान लीजिए लिखा गया है नरोत्तम, लिखा गया है नरोत्तम, तो नरोत्तम क्या हो जाएगा, नरों में उत्तम, नरों में उत्तम, यह हो गया नरोत्तम। यानी इसमें क्या मिल गई, में विभक्ति मिल गई, तो में विभक्ति के कारण यह कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। आप जितने भी शब्द, रेल टिकट आप लिखेंगे, यहां पर भी क्या हो जाएगा, रेल टिकट अगर आपने लिखा, अगर आपने ये लिखा हथकड़ी, लिखा आपने राम कहानी, लिखा आपने स्याही चूस, लिखा स्याही चूस, लिखा कोई भी शब्द आप लिखे, आप स्वयं विग्रह करिए, रेल टिकट रेल के लिए टिकट, राम कहानी राम की कहानी की विभक्ति, हथकड़ी हाथ के लिए कड़ी की विभक्ति, स्याही चूस स्याही को चूसने वाला स्याही चूस। शब्द आप सुने हो या ना सुने हो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, शब्द कुछ भी बनेगा, आप सिर्फ आपको करना क्या है कि आप इसमें यह देखिएगा कि इसमें विभक्ति लगी है कि नहीं लगी है। अगर विभक्ति लगी है तो यह समझिएगा कि यह कौन सा समास होगा, यह तत्पुरुष समास होगा। तो यहां पर विभक्तियों को आपको पहचानना है, शब्द कुछ भी हो उससे लेना देना नहीं है। अभी तक मैंने आपको द्वंद्व बताया, द्विग बताया और तत्पुरुष बताया, यानी तीन समास पर हमने चर्चा किया। तो इन तीन समासों में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर अभी मैं बताया कि केवल कविता के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं, कविता के आधार बता रहा हूं,
एक एक करके जब डिटेल पढ़ेंगे तो कुछ अपवाद हैं, जैसे आप द्विप समास में आपके जेहन में कुछ चल रहा होगा कि कुछ अपवाद हैं, कि जैसे त्रिनेत्र हैं, त्रिलोचन है, इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे, तो आप सोचेंगे इसमें भी आ रहा है, तो हम उसको बताएंगे आपको। आप इस पर मैं एक पहले यह बताना चाह रहा हूं कि आपको समास की समझ हो जाए और बिना कुछ किए हुए आप ज्यों आता है त्यों आप टिक कर ले जाए। तो यहां तत्पुरुषमा तीसरा। इसके बाद अगर हम समास पे आते हैं तो उत्तर तत्पुरुष कहावत है, पहला पद जिसमें विशेषण हो, यानी अगर ये हम बात करें कि अगले समास की अगर बात करें तो अगला समास क्या है, पहला पद जिसमें विशेषण हो कर्मधारय नाम गिनावत है, कर्मधारय पहला कर्मधारय समास। अब इस कर्मधारय समास में ये कह रहे हैं कि पहला पद जिसमें विशेषण हो, यही तो बात हो रही है। यहां पर देख लीजिए, कह रहे हैं कि पहला पद जिसमें विशेषण हो, विशेषण की बात की गई है कि पहला पद क्या होना चाहिए, विशेषण हो रहे होना चाहिए। अगर पहला पद विशेषण है तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तो यहां पर देखा जाए कि कर्मधारय समास में पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, कर्मधारय। अब पहली चीज हमको विशेषण भी जानना होगा कि विशेषण किसे कहते हैं, तो इसके थोड़ा बहुत थोड़े अंश को यहां समास समझने के लिए यहां जान लेते हैं, बाकी विशेषण में पढ़ा जाएगा, डिटेल से पढ़ा जाएगा। कर्मधारय समास यानी पहला पद विशेषण हो, जिस जब किसी शब्द की कोई शब्द विशेषता बताता है तो उसे हम विशेषण कहते हैं। अगर दोनों पदों में मान लीजिए कि कोई शब्द है, जैसे मान लीजिए लिखा गया है आम, लिखा गया है आम, लिखा गया है, अब आम तो अभी आम है, अगर इसकी विशेषता बता दी जाए, एक पद है, इसकी विशेषता बता दी जाए, इसकी विशेषता पहले लिख दिया जाए, क्या लिख दिया जाए, पका लिख दिया जाए, तो अब ये क्या हो गया, पका आम हो गया। तो आम कैसा है, पका है, यानी इसकी विशेषता क्या हो गई, पका हो गया, और यह पका क्या है, पहला पद है, यानी पहला, और आम क्या है, यह दूसरा पद है, या इसे हम कहते हैं उत्तर पद कहते हैं, इसको हम पूर्व पद भी कहते हैं जैसा मैं बताते आ जा रहा हूं, और इसको हम उत्तर पद भी कहते हैं, उत्तर पद। यानी पहला पद हमारा विशेषण होना चाहिए, अगर पहला पद विशेषण होता है तो वह समझिएगा कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। तो अब पहला पद विशेषण आप ये इतना जान गए हैं कि पहला पद विशेषण होना चाहिए। अब शब्द मैं लिख रहा हूं और इन शब्दों पर आपको बताना है कि इसमें कौन सा समास होगा। अगर मान लीजिए लिखा गया है काली गाय, तो गाय कैसी है, काली है, गाय की विशेषता क्या हो गया, काली, यानी पहला पद विशेषण, तो पहला पद विशेषण जहां होगा वहां कर्मधारय समास हो जाएगा। अगर मान लीजिए लिखा गया है टोपी, और टोपी के पहले लिखा गया है नीली, तो टोपी कैसी है, नीली है, तो नीली टोपी है, तो यानी पहला पद विशेषण हो गया, टोपी की विशेषता क्या है, नीली है, इसलिए कर्मधारय समास होगा। अगर मान लीजिए कि लिखा गया है शद व्यवहार, शद व्यवहार, तो व्यवहार कैसा है, सद है, यानी अच्छा है, तो व्यवहार कैसा है, अच्छा है, यानी अच्छा विशेषण है, इसलिए क्या हो गया, यहां पर कर्मधारय समास हो गया। अगर मान लीजिए कि लिखा गया है नववधु, नव वधु, वधु कैसी है, नई है, नववधु मतलब नई नवेली वधु, तो वधु कैसी है, अभी नई नई है, तो यानी नई जो है यह क्या है, विशेषण है, इसलिए यहां पर क्या हो गया, कर्मधारय समास हो गया। अगर हम कहें मान लीजिए मर्द लिखा गया है, मर्द लिखा गया है, और मर्द के पहले लिख दिया गया जवां, लिख दिया गया जवां, लिख दिया गया, तो अब क्या हो गया, जवां मर्द हो गया, मर्द कैसा है, जवान है, यानी यह
प्रथम पद और ये द्वितीय पद, या इसको कहते हैं पूर्व पद या उत्तर पद। तो पहला पद क्या हो जाए? विशेषण हो जाए। अगर पहला पद विशेषण होता है तो वहां पर क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। आप बहुत सारे शब्द जानते होंगे, काली मिर्च आप जानते होंगे, काली मिर्च, मिर्च कैसी है? काली है। लाल किला, किला कैसा है? लाल है। लाल किला, किला कैसा है? लाल है। यानी ऐसे तमाम शब्द आपको मिल जाएंगे। अगर पहले पद में आपने विशेषण देखा तो यह समझ लीजिएगा कि वह कौन सा समास के रूप में आप जाएंगे, आप कर्मधारय समास उसको कहेंगे। तो पहला पद जिसमें विशेषण हो कर्मधारय नाम गिनावत है, अव्ययी में अव्यय पूर्वछी पे। अगला समास कह रहे हैं कि अव्ययी में अव्यय पूर्वछी पे, ये कहा जा रहा है। यानी अगला समास अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, यानी ये पांचवा। अगर इस कविता के रूप में चलें, कविता के क्रम में चलें, तो ये जो हो गया अव्ययी में अव्यय पूर्व छिपे, यानी इसमें हो गया। तो अव्ययी भाव समास में कह रहे हैं कि अव्यय पूर्व छिपे। आप यहां पर देख लीजिए, पुनः कविता को एक बार देख लीजिए जो लिखा गया है, अव्ययी में अव्यय पूर्व छिपे, पूर्व छिपे, यानी अव्यय जो शब्द है वो पहले छिपा हुआ है, यानी पहला ही पद क्या होगा? अव्यय होगा। तो पहला ही पद अगर अव्यय है तो वहां पर कौन सा होगा? अव्ययी भाव समास होगा। यानी यहां पर देखिए, तो अब पहली चीज हमको ये जानना है कि अव्यय क्या है, अव्यय क्या है। तो व्यय मतलब क्या होता है? खर्च होना, अब जानते हैं। और मतलब क्या होता है? नहीं, यानी जो खर्च न हो। तो खर्च न हो वह अव्यय होगा। पैसा तो है नहीं कि खर्च नहीं होगा, तो यहां शब्द के खर्च होने से है, तो शब्द का खर्च होना यह होता है कि शब्द का परिवर्तित न होना। अगर शब्द परिवर्तित नहीं होते हैं तो उसे ही हम कहते हैं यह जो शब्द है यह अव्यय शब्द है। अव्यय मैं पढ़ाऊंगा, दो चार प्रकार के जो अव्यय होते हैं उसमें मैं बताऊंगा कि कौन कौन से अव्यय होते हैं, फिर निपात भी पढ़ाऊंगा। लेकिन यहां पर यह जानिए कि अव्यय जो होते हैं जो व्यय नहीं होते हैं, तो जो व्यय नहीं होंगे, यानी कोई शब्द है कि जो व्यय नहीं होगा, परिवर्तित नहीं होगा। अब किसी भी शब्द के साथ वह मिलेगा तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। अगर ऐसा आपको मिलता है तो वहां पर समझिएगा कि अव्ययी भाव समास है। और वो कैसा मिलेगा? पहले पद के रूप में मिलेगा। तो अगर पहले पद के रूप में मिलता है कि ये शब्द अव्यय है, यानी परिवर्तित नहीं होगा, किसी के साथ अगर वो लगेगा तो उसका अर्थ वही रहेगा जो पहले के साथ होगा। उदाहरण पर अगर बात करें तब ज्यादा समझ में आएगा। यानी अगर मान लीजिए लिखा गया है आजीवन, लिखा गया है आजीवन, लिखा गया है, तो इसमें पहला पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। तो पहला पद परिवर्तित न हो, कह रहे हैं कि अव्ययी में अव्यय पूर्व छिपे, यानी अव्यय जो शब्द होगा वो पहला ही होगा, पहला पद होगा। तो पहला पद क्या हो गया? ये। और दूसरा पद यानी उत्तर पद क्या हो गया? जीवन हो गया। अगर जीवन को हम हटा देते हैं, यहां से क्रॉस कर देते हैं, यानी जीवन को हमने हटाया, जीवन को हटा दिया, यहां पर बच क्या गया है? आ। और इस आ के साथ ही हमने क्या लगा दिया है? मरण लगा दिया है, आमरण। इस आ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं करा, नहीं पड़ रहा है। अगर हम मरण को भी हटा देते हैं, मरण को भी हम हटा देते हैं, और यहां पर हमने लिख दिया जन्म, लिख दिया, तो अब क्या हो गया? आजन्म हो गया। तो यहां पर आ के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। आप ये देख रहे हैं, आ जैसे ही
आप जीवन के साथ मिला, जैसे ही मरण के साथ मिला, जैसे जन्म के साथ मिला, वैसा ही अर्थ दे रहा है। जब तक जीवन है, जब तक जन्म, जब तक मरण, यानी वह उसी अर्थ में आपको दे रहा है। अगर हम दूसरे शब्दों पर बात करें तो ये देखते हैं, अगर मान लीजिए लिखा गया है प्रतिदिन, लिखा गया है प्रतिदिन, लिखा गया है, इसमें भी दो पद प्रति हो गया और दिन हो गया। अगर मान लीजिए कि दिन को हम हटा देते हैं, दिन को हटा दिया गया, तो दिन को अगर यहां से क्रॉस कर दिया जाए, अब बच गया क्या, प्रति, और दिन के स्थान पर हम क्या लिख दें, माह लिख दें, अब ये क्या हो गया, प्रतिमाह हो गया। माह को भी हटा दिया जाए तो अब माह के स्थान पर हमने मान लीजिए लिख दिया वर्ष लिख दिया, तभी भी प्रति के ऊपर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर वर्ष भी हटा देते हैं और हमने लिख दिया शत लिख दिया और यह शब्द बन गया प्रतिशत, यानी यहां पर प्रति के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो प्रति जो शब्द है यह क्या है, अव्यय है। तो पहला पद अगर अव्यय होता है वहां समझिएगा कि अव्ययी भाव समास होगा। अगर मान लीजिए कि यहां पर, यहां पर अगर देखते हैं अन्य शब्दावली पर देखते हैं, अगर मान लीजिए लिखा गया है यथा क्रम, लिखा गया है क्रम, क्रम को हटा देते हैं, इसको हटा दीजिए, यानी इसको आप हटा दीजिए, और अब जो है यहां पर लिख दीजिए यथा शक्ति, लिख दीजिए यथा शक्ति, लिख दीजिए, अब ये क्या हो गया, यथाशक्ति हो गया। अगर मान लीजिए कि यहां हम शक्ति को भी हटा दें, इसको हम हटा दें, और इस शक्ति के स्थान पर हमने क्या लिख दिया, यथा भक्ति लिख दिया, यथा भक्ति लिख दिया, तो यानी यहां यथा के ऊपर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। यथा क्रम, यथा शक्ति, यथा भक्ति, यथा संभव, यथा साध्य, तमाम आपको शब्द मिल जाएंगे, और ये यहां यथा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये जो हमारा पहला पद है, ये जो हमारा पहला पद है, इस पद पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी यह क्या है, अव्यय है। तो पहला पद अगर अव्यय होता है, जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, दूसरा पद भले ही हट जाए लेकिन पहला जैसा है वैसा ही अगर रहता है, तो यह समझिएगा कि यहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अब इसके बाद आते हैं हम लास्ट समास पर, यानी छठे समास पर आते हैं। तो छठे समास में यह कहा जा रहा है, छठा समास क्या है, ये कह रहे हैं बहुव्रीहि समास, बहु व्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास पर आते हैं, तो बहुव्रीहि समास में कह रहे हैं कि बहुव्रीहि में अन्य प्रधान बतावत है, यही तो हमने कविता लिखाया, और कविता एक बार पुनः देख लीजिए, यानी यहां पर देखिए कि यह कहा जा रहा है कि बहुव्रीहि में अन्य प्रधान, यही तो है अन्य की प्रधानता, अन्य प्रधान बतावत है, यानी बहुव्रीहि में अन्य प्रधान बतावत है, अन्य की प्रधानता। तो अन्य की प्रधानता मतलब क्या, कि जो दोनों पद अपना मूल अर्थ छोड़ दें, दोनों पद क्या करते हैं, अपना मूल अर्थ छोड़ देते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाता है। यानी अगर कोई शब्द है, कोई पद है, और यह पद अपना मूल अर्थ छोड़ दें और किसी तीसरे पद की प्रधानता हो जाती है, वहां पर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि शब्द लिखा गया है, यहां पर शब्द लिखा गया वीणा वादिनी, अगर शब्द लिखा गया
वीणा वादिनी। अब ये जो वीणा है और ये जो वादिनी है, यानी दो पद हुए, दो पद। तो वीणा जो है, वीणा का अर्थ नौ दे, ठीक है। वादिनी, वादिनी का अर्थ नौ दे, वैसे कहेंगे तो वीणा बजाने वाली, यही तो हुआ अगर हम इस अर्थ पर जाएं तो। लेकिन वीणा, वीणा का अर्थ न देकर, वादिनी, वादिनी का अर्थ न देकर के यह दोनों एक नया अर्थ दे दे, अन्य प्रधान बतावत है, अन्य की प्रधानता हो जाए। तो वीणा वादिनी का अर्थ क्या होता है? सरस्वती, सरस्वती। यानी यह अपना मूल अर्थ छोड़कर, दोनों पद जब अपना मूल अर्थ छोड़कर एक तीसरे पद की विशेषता को प्रकट करते हैं, एक अन्य पद की प्रधानता को बताते हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है। अगर मान लीजिए कि शब्द लिखा गया है लंबोदर, लिखा गया है लंबोदर, तो एक शब्द लंबा और एक शब्द उदर, लंबा उदर, तो लंबा लंबा का अर्थ न दे, उदर मतलब पेट, यानी उदर उदर का अर्थ न दे। यह दोनों मिल करके क्या दे दें? किसका अर्थ दें? गणेश का, गणेश का अर्थ दे दे, दे। यानी यह अर्थ दे दें। तो दोनों पद जब मिलकर किसी अन्य पद की विशेषता को प्रमाणित करते हैं, अन्य पद की विशेषता को बताते हैं, तो वहां समझिएगा क्या हो जाते हैं? बहुव्रीहि समास हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कि मैंने शब्द लिखा, शब्द मैंने अगर ये लिखा चंद्रभाल, चंद्रभाल अगर मान लीजिए मैंने लिखा, तो चंद्र यानी चंद्रमा, भाल मतलब मस्तक, तो चंद्रमा, चंद्रमा का अर्थ न दे, भाल, भाल का अर्थ न दे, यानी मस्तक का अर्थ न दे। यह दोनों पद मिल करके एक कोई अन्य अर्थ दे, तो किसके मस्तक पर चंद्रमा रहता है? भगवान शिव के, यानी शिव। तो दोनों पद अपना मूल अर्थ छोड़कर किसी अन्य अर्थ की विशेषता को अगर प्रकट करते हैं, तो वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। बहुत सारे ऐसे शब्द आपको मिल जाएंगे, एकदंत मिल जाएंगे, दशानंद मिल जाएगा, घनश्याम मिल जाएगा, तमाम ऐसे आपको शब्द मिल जाएंगे कि जो अपना मूल अर्थ छोड़कर के किसी अन्य पद की विशेषता को प्रकट करते हैं। तो यानी मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया, किसके माध्यम से? एक कविता के माध्यम से, ये कविता के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया है, और आशा भी ये करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अब एक एक करके, कल एक एक करके हम इसका विश्लेषण करेंगे और अपवादों को बताते हुए आपको चलेंगे, कि यानी इसमें कोई कंफ्यूजन ना आपको रह जाए। आज सिर्फ मैंने पूरे समास का आपको दर्शन करा दिया और समझाने का प्रयास किया कि आप समझ जाइए, मोटी मोटी तौर पर आप समझ जाइए कि यही समास है आपके। बाकी आप अब इसकी अंदर हम विशेषताओं पर और अंदर घुसेंगे और एक एक करके इस पर हम बात करेंगे। तो एक बार इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से और इस कविता को याद कर लीजिएगा, ताकि आपसे पुनः यह गलती ना हो और यह ज्ञान ट्रांसफर भी जो मेरे अंतर्गत है वह ट्रांसफर होता चला जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारा प्यार और शुभाशीष। जय हिंद।